हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये माँ गंगा का नया रौद्र रूप है। आप देख सकते हैं ये राजघाट पुल वाराणसी का हम दिखा रहे हैं। ये गंगा माँ ने एकदम रौद्र रूप ले चुका है, जो कि एकदम बाण का माहौल बना दिया है। गंगा के किनारे जितने भी सारे गांव शहर जो भी हैं सारे चीज़ डूब चुके हैं। देख सकते हैं कितना बहाव इसका, देख सकते हैं कितना भयावह रूप ले चुका है। आपको दिखा रहे हैं, आपको साइड में भी जितने सारे घाट हैं ये देखिए। ये नया प्रोजेक्ट था जो कि मोदी का भी चल रहा था, ये भी डूब चुका है। आपको सामने जितना कुछ दिख रहा हो सारा कुछ डूब चुका है। ये देखिए रविदास मंदिर है वाराणसी का, जो कि सबसे फेमस मंदिर है, जो कि राजघाट के पास पड़ता है। आप देख सकते हैं सारा कुछ डूब चुका है। आप कुछ सारा देख रहे हैं सामने, वाराणसी के जितने घाट है सब आप देख सकते हैं। इसके आसपास जितने भी सारे चीज़ें सारे सब चीज़ डूब चुका है। आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में बने रहें और एंड तक देखते रहें। आपको घाट के चारों तरफ का वीडियो दिखाएंगे, इस पुल के इस पार उस पार जो भी पड़ाव साइड का है आपको सारा दिखाएंगे। पुल के नीचे का भी आपको बाढ़ का मंजर दिखाएंगे। आप इस वीडियो में बस बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये आपको सामने दिख रहा होगा ये गंगा घाट, जो कि इतना नहीं रहता है जलस्तर, ये रातों रात जो है कि बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका जो कि सीमा है लास्ट, देख सकते हैं आपको गांव दिख रहा होगा ये सामने, ये सारा गांव डूब चुका है। ये पड़ाव के जस्ट बगल का गांव है। ये पड़ाव जैसे ही पुल आप चढ़ेंगे आपको सामने दिख जाएगा। देख रहे हैं सारा कुछ डूब चुका है। कहीं भी आप जहाँ तक देख सकते हैं तहाँ तक आपको पानी ही सिर्फ दिखेगा, जो कि इतना पानी रहता नहीं है, जो कि अब फिलहाल बारिश के कारण बढ़ चुका है, जो कि पीछे से भी पानी आ रहा है, आगे से भी हर जगह बारिश का पानी सब लगा, इस सब गंगा माँ में ही गिरता है सारे नदी का पानी, आप जानते ही हैं। ये देख रहे हैं ये पुल के नीचे आपको दिखा रहे हैं, ये कटान है, यहाँ से आप पानी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी लग चुका है। ये देखिए आपको सामने घाट भी दिख रहा होगा। आप इस वीडियो में बने रहें, आपको सारा कुछ दिखाएंगे, जितने भी बाण का एकदम पूरा माहौल बन चुका है आपके सामने दिख रहा होगा। आप अगर वाराणसी आ रहे हैं तो कृपया वाराणसी आने से बचें, क्योंकि जगह जगह पानी लगने के कारण कई जगह रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया है। अगर आप रामनगर साइड से जा रहे हैं तो फिलहाल तो रास्ता बंद कर दिया गया है, इसीलिए हम लोग पड़ाव साइड से आ रहे हैं। ये देखिए एनडीआरएफ की टीम भी जा रही है, एनडीआरएफ की टीम है, आपको सामने दिख रही होगी। ये दरअसल जगह जगह जिसको भी ज़रूरत पड़ रहा है उसको रेस्क्यू कर रही है। और ये देख रहे हैं ये खिड़किया घाट है, जो कि अभी इस पर काम चल रहा है, करोड़ों का यहाँ पर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, ये आपको सामने दिख रहा होगा। ये देख रहे हो सारा कुछ डूब चुका है, क्योंकि दरअसल माँ गंगा के सामने इस प्रोजेक्ट की क्या कीमत है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये पानी है, इसका बढ़ाव घटाव तो लगा ही रहता है। इसके आसपास जितने प्रोजेक्ट हैं उसको भी थोड़ा सा देखकर ही बनाना चाहिए, क्योंकि ये हर साल पानी बढ़ता है और बढ़ाता है, आप जानते ही हैं। आपको दिख रहा होगा ये सामने खिड़किया घाट के साइड का ही नज़ारा है। आपको नीचे का भी दिखाते हैं कितना रौद्र रूप ले चुका है, सारा कुछ डूब चुका है। इधर का जितना भी साइड देख रहे हैं, इधर देखिए आश्रम है वो भी डूब चुका है, नाव का चलना भी मना है। ये देख रहे हैं कितना लहर इसका तेज तेज फेंक रहा है, आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सारा कुछ दिखाएंगे बाढ़ का। ये देखिए सारा घाट डूब चुका है, नीचे का आप देख रहे हैं ये सारा कुछ डूब चुका है। अब समझ लीजिए कि ये एकदम अंतिम पोजिशन पर चल रहा है, 83 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ चुका है, जो कि अब समझ लीजिए कि खतरे के निशान से ऊपर जाने का मतलब कि कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये देखिए कितना भयावह रूप ले चुका है, ये आप नीचे भी देख सकते हैं। ये हम राजघाट पुल के बीच से आगे से पीछे से आपको चारों तरफ से वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं, आप बस वीडियो में बने रहें और देखते रहें। आपको दिखा रहे हैं कितना रौद्र रूप ले चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। ये देखिए कितना सारा पानी लगा हुआ है, जगह जगह पानी, हर जगह पानी। आपको बनारस में भी जगह जगह आपको पानी मिल जाएगा, बहुत सारी जगह हैं जो कि डूब चुकी हैं। ये देखिए एनडीआरएफ की दो टीम जा रही है, जो कि एक साथ जा रही है एनडीआरएफ की, जो कि कहीं ना कहीं अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो वो मदद करते हैं। और आप देख सकते हैं कि उनका उनका मदद उनको भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इतना बाढ़ के पानी में किसी की मदद करना कम बात नहीं है। आप देख सकते हैं आप सामने ये दोनों टीमें जा रही हैं, ये दरअसल 80 घाट के साइड ही जा रही हैं। उधर जाएंगी तो जो किसी भी लोग को वस्तु या किसी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेते हैं ये लोग। ये लोग अभी निकले हैं, अब जा रहे हैं उसी साइड,
अब देखते हैं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा भी था। ये देखिए आश्रम था, ये पूरा आश्रम डूब चुका है, आप देख सकते हैं, आपको सामने दिख रहा होगा। ये आश्रम पहले आश्रम के नीचे घाट भी था, घाट भी डूब चुका है, उसका नाव भी था, नाव भी डूब चुका है। इसके आसपास जितने भी देख रहे हैं ये पड़ाव साइड का नज़ारा है, जो कि ये गंगा माँ का एकदम समझ लीजिए भयावह रूप है। देख सकते हैं ये पुल पर से आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बने रहें और एंड तक देखते रहें।
ये लोग मुंह आवाज़ हो ये मुझे भी डर करा।